हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ये बनाएंगे। देखिए ये कितना सुंदर लेयर के जैसा बना हुआ है। इसे बनाकर हम पर्स भी बना सकते हैं और बेबी ब्लैंकेट भी इससे बना सकते हैं। इस डिजाइन को बनाकर इसे हम बड़ा बना बुनते जाएंगे और ये एक ब्लैंकेट के जैसा बन जाएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए अगर बच्चों को हम इसका बनाकर उड़ाएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। एकदम सॉफ्ट है और देखिए ये लेयर के जैसा कितना अच्छा लग रहा है। तो इसे कैसे बनाते हैं वो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसे बनाने के लिए वाइट, येलो, ऑरेंज और रेड कलर का ऊल लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ इस तरह से फिंगर में इस ऊल को लपेटेंगे, एक रिंग के जैसा बनाएंगे और फिर इसमें ये देखिए ये वाले पीछे से नीचे से निकालकर इसको इस नॉट को बांध देंगे। फिर हम यहाँ पे 1, 2, 3 चैन लेंगे। अब इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1, 2, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बुनने के बाद यहाँ पे हम 1, 2, 3 चैन लेंगे। फिर इसको इस तरह से पलट देंगे। फिर यहाँ पे हम 4 बुनेंगे डबल क्रोशिया, ये चैन वाले के बाद डालेंगे हम 1, 2, 3, 4। ये चैन जिसमें है उसके बाद वाले में 1, 2, 3 और ये 4 लास्ट वाले में चैन में। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया 4 बुन लिए। फिर से हम यहाँ पे 1, 2, 3 चैन लेंगे। अब इसको इस तरह से सीधा पलट देंगे और डबल क्रोशिया लेंगे और ये वाले में इसमें रिंग में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोशिया फिर से हम बुने। अब फिर से हम यहाँ पे 1, 2, 3 चैन लिए। फिर से इसको ऐसे पलट दिए उल्टा साइड में। अब यहाँ पे फिर से हम 1, 2, 3, 4 इसमें डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1, 2, 3 और ये 4 देखिए हो गया। फिर से हम यहाँ पे 1, 2, 3 चैन लेंगे, इसको सीधा करेंगे और इसको ऐसे ऐसे लेकर आएंगे और इसको ये वाले रिंग में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 आप देख रहे हैं कि ये कैसे बना रहे हैं। इसी तरह से हम इस रिंग में हम यहाँ पर 8 बुन लेंगे। 1, 2, 3 अभी ये 3 बनने के बाद इसी तरह से हम 8 तक यहाँ पर बुनेंगे। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 हुआ है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे 8 बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब ये लास्ट वाला को भी इसी तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया से बुन लेंगे। अब ये वाले ऊल को खींच कर हम फिट कर लेंगे। देखिए ये रिंग के जैसा फिट हो जाएगा, बन जाएगा हमारा। अच्छे से फिट कर लेंगे इसको।
ये देखिए बन गया। अब ये वाले को हम यहाँ पे बुनने के बाद इस ऊल को यहाँ पे ये वाले में फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से बुनकर अब इसको फिट कर दिए। अब इस ऊल को हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए कट कर दिए तो हमारा सबसे पहले इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरे कलर का ऊल को लगाएंगे। अब यहाँ पर पीछे में यहाँ पर ये येलो कलर का ऊल को लगाएंगे इस तरह से। फिट कर देंगे। फिर यहाँ पे अब हम थ्री चैन लेंगे, 1 2 3। अब डबल क्रोशिया लेंगे और ये वाले में इसका जो ये चैन है इसमें हम बुनेंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बुनने के बाद 1 2 3 चैन लिए, इसको पीछे पलट देंगे, फिर से 1 2 3 और ये 4। देखिए इसके ऊपर ही बुने हैं। फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। अब फिर से इसको अब ऐसे सीधा कर देंगे और अब ये वाले को इसको इसके अंदर ही फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4। देखिए इसके अंदर ही 4 डबल क्रोशिया बुने, फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन। अब फिर से इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, उल्टा करके इसके ऊपर से फिर से 4 डबल क्रोशिया सारे फंदों में बुनेंगे हम, 1 2 3 4। फिर से इसको सीधा कर देंगे। देखिए फिर से इसको ऐसे सीधा किए, फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पे एक ही फंदे में एक ही चैन में 2 बुने हैं क्योंकि हमें स्क्वायर में बनाना है, इसलिए 1 में 2 बुने हैं। अब हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और अब दूसरा वाला चैन जो है इसके बाद वाला इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। देखिए फिर से फ्रेंड्स 3 चैन, 1 2 3 चैन पलट दिए इसको, फिर से सारे फंदों में हम 4 बुनेंगे डबल क्रोशिया सारे में, 1 2 3 4 यहाँ तक हम बुन लेंगे इसी तरह से डबल क्रोशिया से, 3 और ये 4। देख रहे हैं फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे, फिर से इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 लिए हैं, यहाँ 1 बुनना है। अब इसके बाद वाले में यहाँ पे फिर से हमको जैसे ये 1 फंदे में 2 बुने हैं उसी तरह से यहाँ पर भी डबल क्रोशिया से पहले 4 बुनेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद फिर से 1 2 3 चैन लेंगे, इसको पलट देंगे, फिर से इसके ऊपर में 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है अब यहाँ पे फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 थ्री चैन लेंगे, फिर से इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 2 बुनेंगे 1 में। अब इसी फंदे में फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे,
टू थ्री फोर, देख रहे हैं। फिर से हम फ्रेंड्स वैसे ही बुनेंगे, थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री चैन लेंगे, इसके बाद पलट देंगे इसको और इसके ऊपर फिर से हम फोर डबल क्रोशिया बुनेंगे, वन टू थ्री और ये फोर, देखिए बुन लिए। अब फिर से इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ पे फिर से हम वन टू थ्री चैन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फंदे में दो बुने थे, फिर एक, फिर यहाँ दो, और फिर से अब यहाँ पे एक ही बुनना है हमको एक में, यानी कि ऐसा वाला यहाँ पर भी बनाना है। फिर ये बना लेंगे, ऐसा एक वाला बनाएंगे, फिर इसके ये वाले फंदे में हमको इस तरह से दो बनाना है, इसके बाद फिर ये फंदे में एक बनाना है, फिर ये वाले चैन में हमको दो बनाना है, फिर ये वाले चैन में एक बनाना है, और यहाँ पे दो पहले से बना हुआ है, यानी कि हमारा वन टू थ्री फोर, फोर चार कोना का ये बन जाएगा। देखिए ये हमारा बन गया, एक फंदे में दो वाला, एक दो तीन और ये चार। अब यहाँ पे हम इसको लास्ट में थ्री चैन लिए हैं, अब ये लास्ट में जो हमारा ये चैन है पहले वाले का, उसमें सिंगल क्रोशिया से इसको बुनकर फिट कर देंगे और इस ऊल को भी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये बना। अब यहाँ पे हम दूसरे कलर का ऊल यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे हम वाइट कलर का ऊल लगाएंगे। फिर से ये जहाँ पे हमारा लास्ट हुआ था वहीं पर फिर से हम इस ऊल को, वाइट वाले ऊल को भी फिट कर लेंगे। इसको फिट कर लिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से, और अब यहाँ पे हम वन टू और एक पहले चैन लिए थे, थ्री चैन, थ्री चैन लिए। अब इसमें ये वाले ऊपर में जो चैन है उसमें हम फिर से फोर डबल क्रोशिया बुनेंगे, वन टू थ्री और ये फोर, फोर बुने और फिर से इसके अंदर हमें दो बुनना है, तो वन टू थ्री चैन लेंगे, फिर से पलट कर फिर से इसके अंदर ही हम फोर बुनेंगे, वन टू थ्री और ये फोर, फिर से हम थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री चैन, इसको सीधा करेंगे ऐसे। अब ये वाले को इसके अंदर ही फिर से हमें फोर बुनना है डबल क्रोशिया, देखिए एक के अंदर हमें इसमें दो बनाना है, तो फिर से फोर हम बुनेंगे, वन टू थ्री फोर, फिर से थ्री चैन, वन टू थ्री, पलट देंगे इसको, फिर से फोर इसमें बुनेंगे, वन टू थ्री और ये फोर हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक ही फंदे में दो बुने, वन टू थ्री चैन लेंगे और फिर अब इस फंदे को हम इसके बाद वाले चैन में इसमें फिर से जैसे अभी हम बनाए ये फोर डबल क्रोशिया बुने, जिस तरह से ये वाले पैटर्न को हम बनाए हैं वैसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे और फिर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डबल किए हैं एक ही में दो बुने हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी डबल बुनेंगे, फिर एक एक और फिर से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डबल आया तो इसमें भी डबल बुनेंगे इसके जैसा, तो इसी तरह से हम बुनकर ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। आपको ये डिजाइन तो समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, वन टू
थ्री फोर, फोर डबल क्रोशिया, फिर वन टू थ्री चैन, इसको पलटेंगे, फिर से यहाँ पे फोर डबल क्रोशिया, वन टू थ्री और ये फोर हो गया। देखिए एक बार में दो लाइन बुनना है इसमें, फिर से हम थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री चैन लिए, फिर से इसको सीधा करेंगे और ये वाले यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे फंदा, और इसके बाद इस दूसरे वाले चैन में हम फिर से फोर बुनेंगे, जैसे ये बनाए वैसे ही। तो फ्रेंड्स आपको ये डिजाइन तो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अब हम ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये लाइन भी तैयार हो गया। अब ये सबसे लास्ट में हम यहाँ पर सबसे लास्ट में फिर से थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री चैन लेंगे और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, इसके साथ यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देंगे, सिंगल क्रोशिया से बांध देंगे। अब इस ऊल को भी हम कट कर देंगे। तो देख सक रहे हैं फ्रेंड्स ये कितना सुंदर सा ऐसा बन गया। अब इसमें हम लास्ट में रेड कलर का ऊल लगाएंगे। इसमें भी पीछे से इधर से हम रेड कलर का ऊल लगाएंगे, ये वाले में, इसमें, और इसको फिट कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से हम, अब यहाँ देखिए हमारा वन और टू डबल वाला है, एक में दो है और बाकी सब एक एक है। तो यहाँ पे हम थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री चैन लेंगे पहले, और इसके अंदर ये वाले बीच में इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे पहले सिक्स डबल थ्री डबल क्रोशिया लेंगे, वन टू थ्री और फोर, फोर डबल क्रोशिया लेंगे, वन चैन लेंगे, उसके बाद फिर से इसके अंदर ही फोर डबल क्रोशिया बुनेंगे, वन टू थ्री और फोर, फोर बुन लिए। तो देखिए ये हमारा एक कोना के जैसा बन गया। अब यहाँ पे फिर से हम इसी तरह से डबल क्रोशिया लेंगे, इसके बाद वाले चैन में फोर डबल क्रोशिया बुनेंगे, वन टू थ्री और ये फोर, फोर डबल क्रोशिया बुने, फिर से डबल क्रोशिया, यहाँ कोई भी चैन नहीं लेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे एक बीच में लिए हैं। उसके बाद फिर ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे, अब दूसरे वाले चैन में फिर से हम फोर बुनेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोशिया बुन लिए। देखिए अब फिर से इसके बाद वाला, अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे आया है डबल, तब तक हम इसी तरह से इसको फोर फोर बुनते जाएंगे। जब हमारा ये डबल वाला आएगा इसमें हम इस तरह से एक में एट बुनेंगे, पहले फोर बुनेंगे, वन चैन लेंगे, फिर फोर बुनेंगे डबल क्रोशिया से। तो देखिए फिर से वन टू थ्री फोर, फोर हो गया। अब हाँ अब डबल वाला आ गया। देखिए अब इसमें हम सबसे पहले फोर डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए इस तरह से बनेगा हमारा ये, फोर डबल क्रोशिया बुनेंगे, वन टू थ्री और फोर, फोर डबल क्रोशिया बुन के वन चैन लेंगे, फिर से इसके अंदर ही फोर डबल क्रोशिया बुनेंगे, वन टू थ्री और ये फोर। देखिए जैसे यहाँ पे डबल वाला में एट बुने, इसी तरह से ये भी हमारा डबल है, यहाँ पे एट बुनेंगे। अब उसके बाद फिर से हम यहाँ पे
एक एक फंदे में, एक एक चैन वाले में फोर फोर बुनेंगे, फोर यहाँ भी फोर, यहाँ पे फिर से एट, यहाँ डबल है इसलिए एट। तो इस तरह से अब हम पूरा ये सर्कल तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से पूरा बन गया ये हमारा। अब ये लास्ट में हम यहाँ पे फिर से इसी तरह से फोर बुने। अब यहाँ पे ये वाले फंदे में, इसमें लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से इसको फिट कर लेंगे। देखिए अब इस ऊन को हम कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा कितना सुंदर सा बनके तैयार हो गया। ये तो छोटा बना है, अगर आपको बड़ा बनाना है तो ये इसी तरह से बुनते हुए चले जाइए और सबसे लास्ट में ये वाला बॉर्डर आप बनाइएगा, या फिर इन दोनों को इस तरह से बनाकर हम ज्वाइंट करके भी बना सकते हैं। ये देखिए ये दो है, दोनों को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे और इसी तरह से दो और बनाएंगे और जो ज्वाइंट करेंगे, और एक ये हमारा पर्स भी बन सकता है या फिर बच्चों के ब्लैंकेट, तो ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम बनाते जाएंगे और ये कुछ भी बना सकते हैं आप, स्वेटर पर्स बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे इस डिज़ाइन से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन तो मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी अच्छा लगा होगा, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और आपका कैसा बना ये भी मुझे बताइएगा।